बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको वेट लॉस करने के लिए एक टी बता रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी टी है, बहुत फ़ायदा देती है, आजमाया हुआ नुस्खा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको रेगुलर यूज़ करने से बहुत जल्दी वज़न कम हो जाता है। इसको आप दिन में जब चाहे पी सकते हैं, मगर बेस्ट है कि हर खाने के बाद लें तो बहुत अच्छा ये काम करती है। इसमें जो भी चीज़ें डलती हैं बहुत फ़ायदे हैं उसके, कोई भी चीज़ नुकसानदेह नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो वो चीज़ आप ना शामिल करें, उसको छोड़ दें। इसके साथ वर्कआउट करें तो बहुत जल्दी आप इसका फ़ायदा देखेंगे। अगर वर्कआउट नहीं भी करते तो फिर भी ये आपका वज़न बढ़ने नहीं देती। जहाँ आपका वज़न होता है वहीं स्टील हो जाता है। थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और 3 वाइट चीज़ों से अवॉइड करें, शुगर, चावल और मैदे से, तो बहुत जल्द असर होगा। इसमें ग्रीन टी डलती है, 1/2 टीस्पून हम ग्रीन टी लेंगे। ग्रीन टी के बहुत फ़ायदे हैं, वज़न को बहुत कम करने में कारामंद साबित होती है। साथ थोड़ा सा हमने जिंजर लिया है, उसको छील कर छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अगर किसी को मैदे का अल्सर है तो उनको जिंजर सूट नहीं करता, वो ना भी डालना चाहें तो इसको स्किप कर दें, ना डालें। फिर उसके बाद हम काला ज़ीरा लेंगे, थोड़ा सा काला ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हमने काला ज़ीरा लिया है। ये भी खाने को हज़म करता है और वज़न कम करता है। फिर उसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो हमने एक दालचीनी का पीस लिया है और 2 छोटी इलायची हैं। दोनों चीज़ें जूद हज़म हैं और बॉडी को बहुत फ़ायदे देती हैं। छोटी इलायची के भी बहुत से फ़ायदे हैं। ये फिर सौंफ ली है हमने, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम, आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, मैदे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये मेथी दाना है, मेथी दाना शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, वज़न कम करता है और फ्लू के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर अजवाइन है, अजवाइन से सब वाकिफ़ हैं, आपको पता है, मैदे के लिए बहुत अच्छी होती है, खाने को हज़म करती है, हमारे जो पेट की फैट होती है उसको कम करती है। इसको आप वैसे भी गर्म पानी में डालकर पिए तो बहुत फ़ायदा देती है। एक पैन में हम 3-4 कप पानी लेंगे और उसमें सारी चीज़ें डालकर इसको 2-3 उबाल देंगे। इनको ज़्यादा उबालना नहीं है, जब थोड़ा सा 1-2 उबाल आएँ तो हम उसको चूल्हा बंद करके 5-6 मिनट के लिए उसके ऊपर कवर कर दें उसको, पैन को, तो फिर यूज़ करें उसको। ये देखें अब उबलना शुरू हो गया है, तो अब हमने चूल्हा इसका बंद कर दिया है। ये देखें नाज़रीन, अब हमारी टी रेडी है। आप इसको जब चाहें जिस चाहे टाइम पे लें, और जब भी लें इसमें लेमन ज़रूर निचोड़ लें, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और लेमन भी वज़न कम करने में बहुत फ़ायदा देता है। अगर आप लेमन नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। मैं जब सारे दिन के लिए बनाती हूँ तो लेमन उसके अंदर ऐड नहीं करती, क्योंकि उससे उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। अगर 1 कप आपने बनाना हो तो आप उसको लेमन को छिलके समेत अंदर भी डालकर पका सकते हैं, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट होता है और पिया जाता है। अगर आपने थर्मस में डाल के रखना है तो फिर लेमन ना डालें, हर खाने के बाद लें। आप देखिएगा, ज़रूर आपको बहुत जल्द फ़ायदा होगा इसका। हमें ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिएगा, और हमारे अगर ये टी पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।